YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर नाम निर्देशन के बाद शुक्रवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा नवनिर्मित जिला समारोह में विभिन्न प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के समक्ष हुई। इस दौरान महापौर और उपमहापौर पद के एक एक जबकि वार्ड के लिए 5 नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए। महापौर पद के लिए कुशवाहा राधा चंद्रम जबकि उप महापौर पद के लिए शंभु साव का नामांकन पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया। इस तरह अब महापौर पद के लिए कुल 8 प्रत्याशी मैदान में रह गए, जिसमें बसपा से कुशवाहा रानो देवी, आजसू से नगमा साहिन, राजद से नीलू साहनी, झामुमो से निर्मला देवी, झाविमो से गीता देवी, कांग्रेस से मीना देवी और भाजपा से अरुणा शंकर के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पूनम सिंह के नाम शामिल है। वहीं उप महापौर पद के लिए अब 10 प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला होगा। उप महापौर पद के लिए सही पाए गए नामांकन पत्रों में बसपा से विनोद कुमार, आयसू से जनार्दन प्रसाद सिंह, राजद से रास बिहारी गुप्ता, झाविमो से सुरेश प्रसाद अग्रवाल, झामुमो से परमेंद्र कुमार, कांग्रेस पार्टी से मनोज सिंह, भाजपा से राकेश कुमार के अलावे निर्दलीय रमाकांत तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद सिंह व मुकेश कुमार सिंह के नाम शामिल है। इसी तरह निगम क्षेत्र के 35 वार्डों के लिए अब कुल 243 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा 27 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकता है। अगले ही दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन हो जाने से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कार्य विधिवत ढंग से शुरू हो जाएगा। ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान कार्य 16 अप्रैल को होगी। वहीं मतों की गणना 20 अप्रैल को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसी तरह मेदिनीनगर नगर निगम के 35 वार्ड हुसैनाबाद एवं छतरपुर नगर पंचायत के लिए 16-16, वहीं विश्रामपुर नगर परिषद के 1 वार्ड में निर्वाचन कार्य पूरा हो जाएगा।